गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। अनिल मिस्टर अनिल ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, उन्होंने एक कमेंट बॉक्स में लिखा था। उन्होंने ये लिखा था कि जब मैं भोपाल आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा। उन्होंने जब का इस्तेमाल किया था कि जब मैं भोपाल आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, तो उन्होंने सेंटेंस ऐसा लिखा था, आई विल मीट यू वेन आई विल कम टू भोपाल। उन्होंने वेन आई विल कम टू भोपाल लिखा था, जो कि गलत है, यहां पर विल नहीं आएगा। ये आज का टॉपिक है, मैं आज आपको समझा रहा हूं कि हम लोग को हमेशा गागे की आने पर विल और शेल नहीं लगाना है, और वो कौन सी कंडीशन ये समझते हैं। तो दोस्तों चालू करते हैं। आज मैं आपके सामने दो क्वेश्चन वर्ड लेके आया हूं। पहला है वेयर, जिसका मतलब कहां होता है और जहां होता है, सभी को पता है। कहां तो पता है, जहां भी आप लोग बना लेते हैं लेकिन गलती करते हैं। तो दोस्तों ये दो वर्ड है, पहला मैं बताता हूं वेयर, जिसका मतलब कहां और जहां भी होता है। जैसे हमको सामने वाले से क्वेश्चन करना है, तुम कहां आओगे, तुम कहां आओगे, ये कहना है। कहां आओगे, वहां आओगे, पार्क में आओगे कि सिनेमा हॉल के पास आओगे कि बाजार में आओगे, कहां आओगे, ये हमें पूछना है। मैं जाओगे नहीं बोल रहा हूं, आओगे बोल रहा हूं। तो हम लोग बोलेंगे वेयर विल यू कम, कहां आओगे। तो वेयर के बिल्कुल बाद हमें विल लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे वह कहां रहती है, वेयर डज शी लिव, वेयर के बाद डज आ रहा, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। वह कहां जा सकता है, वेयर कैन ही गो, वेयर के बाद कैन आ रहा है। मुझे कहां जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब हम लोग को वेयर जहां के सेंस में यूज करना है, तब हमें याद रखना है कि जब वेयर जहां के सेंस में आएगा, तब हमें विल और शेल का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल विल और शेल नहीं आएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ध्यान देना है। जैसे आई कैन नॉट गो वेयर यू गो, तुम जहां जाओगे मैं नहीं जा सकता हूं, तुम जहां जाओगे। मैंने यहां पर ये नहीं बोला यू विल गो, नहीं बोला मैंने यू विल गो, ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ग्रामेटिकली रॉन्ग है ये। यहां पर हमें विल नहीं लिखना है, इसको प्रेजेंट सिंपल मानना। मैं कह रहा हूं कि केवल विल और शेल नहीं आएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, केवल विल और शेल नहीं आएगा। तो तुम जहां जाओगे मैं नहीं जा सकता हूं, तुम जहां जाओगे मैं नहीं जा सकता हूं। आई कैन नॉट गो वेयर यू गो, यू विल गो नहीं कहना है, दैट्स ऑल। इसके कुछ सेंटेंस और लेते हैं, मैं जहां जा सकता हूं तुम नहीं आओगे, वेयर आई कैन गो यू विल नॉट कम, बाकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बस हमें विल और शेल नहीं लगाना है। वेयर, वेयर का मतलब जहां होगा, तो वेयर वाले सेंटेंस में, यहां तो हमने लगाया, यहां विल लग सकता है, लेकिन वेयर वाले में नहीं लगाना है। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था, जब वेयर जहां का काम करेगा तब हमें उसके साथ विल और शेल नहीं लगाना, बाकी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल मानेंगे, फ्यूचर सिंपल नहीं मानेंगे। और भी इसके सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें जाना चाहिए जहां तुम जाना चाहते हो, यू शुड गो वेयर यू वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाऊंगा जहां तुम जाओगे, आई विल नॉट गो वेयर यू गो, तुम नहीं जा सकते हो जहां मैं जाता हूं, यू कैन नॉट गो वेयर आई गो। ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं वेयर के। अब हम लोग आ जाते हैं जब, जहां से क्वेश्चन निकला है, जहां से इस वीडियो की उत्पत्ति हुई है, जहां से मुझे वीडियो बनाने के बारे में समझ में आया, सुना। तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है वेन का मतलब कब और जब, तो वेन का मतलब कब क्वेश्चन वर्ड के रूप में होगा, तो वहां पर उसके बिल्कुल बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, बिल्कुल सही है। जैसे आप मुझे कब फोन करोगे, वेन विल यू कॉल मी, वेन के बिल्कुल बाद विल आ रहा है। वह कब आ सकती है, तो वेन कैन शी कम, वह कब आ रहा है, वेन इज ही कमिंग। मुझे कब आना चाहिए, वेयर शुड आई कम, वेन के बिल्कुल बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, अगर वह कब का काम कर रहा है तो। लेकिन दोस्तों अगर वह जब के सेंस में आएगा, तब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। जैसे आई विल मीट यू वेन आई कम टू भोपाल, मैं तुमसे मिलूंगा जब मैं भोपाल आऊंगा, उनको यह कहना है। तो उन्होंने लिखा था आई विल मीट यू वेन आई विल कम टू भोपाल, यहां पर आई विल कम टू भोपाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हमको प्रेजेंट सिंपल मानना पड़ेगा, विल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वेन जो है वो जब के सेंस में आ रहा है। वेन जब के सेंस में आएगा, तब हमें विल और शेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ये आपको ध्यान देना दोस्तों। माइक थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है और सारा सेटअप लग चुका है, इसलिए मैं नया सेटअप लगाना सही नहीं है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा प्लीज बेयर विथ मी। वीडियो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। माइक का जो बैटरी है शायद डाउन हो गई होगी।
जब आप मुझसे मिलोगे आप खुश होगे, यू विल बी हैप्पी व्हेन यू मीट मी, जब के रूप में आ रहा है। जब मैं घर पहुंचता हूं सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, व्हेन आई रीच होम ऑल द चिल्ड्रन बिकम हैप्पी। जब मैं कोचिंग क्लास में आता हूं सभी छात्र मुझे विश करते हैं, व्हेन आई कम टू कोचिंग क्लास ऑल द स्टूडेंट्स विश मी। तो दोस्तों व्हेन का मतलब जब होगा, तो उसके बिल्कुल बाद हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, उसके बिल्कुल बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, और जो अगला सेंटेंस होगा वो असर्टिव सेंटेंस होगा, सिंपल होगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो व्हेन का मतलब जब होने पर, वेयर का मतलब जहां होने पर, इनके बिल्कुल बाद हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है बल्कि सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होगा, ये आपको ध्यान देना है। और विल और शैल भी नहीं लगाना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा काम का था। स्पीकिंग करते समय आप लोग बहुत गलती करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको कुछ और कंजंक्शंस बताता हूं जिनमें हिंदी में गागे की आता है लेकिन इंग्लिश में विल और शैल नहीं लगाते हैं। किसी और दिन मैं बड़ा वीडियो उसका बनाऊंगा, तब हम लोग देख लेंगे। एक तो दोस्त होता है इफ, इफ के साथ भी आपको विल और शैल नहीं लगाना है, अगले वाक्य में लगा सकते हैं। एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, वाट एवर, वेन एवर, वेर एवर, वेयर, जहां के अर्थ में, वेन जब के अर्थ में, ये सारे अगर आते हैं तब हमें इनके बिल्कुल बाद वाले सेंटेंस में विल और शैल नहीं लगाना है। इससे चिपके हुए सेंटेंस में विल और शैल नहीं लगाना है। चिपके हुए सेंटेंस का मतलब है कि देखो ये बिल्कुल चिपका हुआ सेंटेंस है, यहां विल और शैल लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, आप विल और शैल इसमें लगा सकते हैं, ये वाले में नहीं लगाएंगे। मतलब वैन से जो चिपका हुआ जो सेंटेंस है वो ये वाला है, यहां विल और शैल नहीं लगेगा क्योंकि इसलिए इसको गलत माना गया, यहां लगा सकते हैं आप। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस हुआ, इस बात के लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत बढ़िया है, बहुत काम का है, इसको अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें, और बस दैट्स ऑल। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोग के साथ। मैं इस बार अनिल मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस प्रकार की गलतियां करते रहें जिससे मैं नया वीडियो बनाता रहूं। सॉरी, आपको अपनी गलती सुधारना है, लेकिन मुझे वो गलती दिख गई तो एज ए टीचर मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी प्रकार की और कोशिश और प्रयोगों के साथ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।